परेश रावल भारत के मंझे हुए अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने दर्शकों को हेरा फेरी के बाबूराव गणपतराव आप्टे से कभी हंसाया, ओ माय गॉड के कांजी लालजी मेहता बनकर जागरूक किया, तो कभी रामलखन में खलनायक का किरदार निभाया। वे पद्मश्री, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड्स जैसे कई सारे सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी शुरुआती जिंदगी और कैसे उन्होंने 1979 मिस इंडिया को शादी के लिए मनाया। परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ था। उनका परिवार गुजराती ब्राह्मण है। परेश रावल के पिता का नाम डायालाल रावल और माता का नाम धनलक्ष्मी है। जब परेश रावल बहुत छोटे थे तब उनके पिता डायालाल रावल मुंबई शिफ्ट हो गए थे। परेश ने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की। उन्होंने नारसिमोन जी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से सिविल इंजीनियरिंग की है। परेश रावल ने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में गुजराती फिल्म नसीबनी बलिहारी से की थी। परेश रावल ने साल 1984 में होली नाम की फिल्म में सहायक की भूमिका निभाई थी। हिंदी के अलावा परेश रावल ने गुजराती, तेलुगु, अंग्रेजी और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपने करियर में अंदाज अपना अपना, चाची 420, हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, हंगामा, दीवाने हुए पागल, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, गोलमाल अनलिमिटेड, भागम भाग, भूल भुलैया, वेलकम, ओएमजी, संजू सहित तमाम हिट फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में काम करने के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। परेश रावल ने साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उसी साल उन्हें लोकसभा चुनाव में अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका भी मिला। इस चुनाव में जीतकर वो लोकसभा सांसद भी बने। हालांकि इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने यह कहते हुए टिकट नहीं लिया कि वे राजनीति को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। बात करें परेश रावल की पत्नी अभिनेत्री और मिस इंडिया रह चुकी स्वरूप संपत हैं। स्वरूप साल 1979 में मिस इंडिया का खिताब जीती थी, लेकिन परेश रावल और स्वरूप संपत की पहली मुलाकात उससे पहले ही साल 1975 में एक फंक्शन में हो चुकी थी। परेश रावल ने बताया कि पहली मुलाकात में ही वो स्वरूप को दिल दे बैठे थे। उन्होंने स्वरूप संपत से ही शादी करने का मन बना लिया था। काफी मशक्कत के बाद साल 1987 में 12 साल के साथ रहने के बाद परेश रावल ने स्वरूप संपत से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हैं। उन बच्चों के नाम आदित्य और अनिरुद्ध हैं। आदित्य रावल भी अपने पिता की तरह अभिनेता ही हैं। इसी के साथ करते हैं वीडियो का दी एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। वैसे परेश रावल की कौन सी मूवी या रोल आपका फेवरेट है ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद।